वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली। मैं आपको आज पता है क्या बारे में लाऊं? सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी इंप्रूव द सेंटेंस। कुछ सेंटेंस होंगे जिसको आपको इंप्रूव करना है। इसमें करना क्या है, उसमें बहुत ही बेसिक टेक्निक है। मैं आपको आज इतना बढ़िया समझा रहा हूँ, इतना बढ़िया टेक्निक दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का कोई सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो। आप बस सोचो, दिमाग लगाओ और ऑप्शन से सबसे पहले इंफॉर्मेशन लो, फिर उसको उस मेथड से जब आपने इन्फॉर्मेशन ले लिया और फिर क्या करो, एलिमिनेट करो, ऑप्शन को हटाओ, कौन सा आंसर नहीं होगा, और फिर सिक्स सेंस लगाओ, इन्फरेंस, यानी कि तुम मेथड अप्लाई करो, इन्फॉर्मेशन, इलिमिनेशन और इन्फरेंस। यानी सबसे पहले क्वेश्चन का लेंगे इन्फॉर्मेशन, फिर लेंगे हम इलिमिनेट कि कौन सा चार ऑप्शन नहीं होगा, और फिर हम सिक्स सेंस का प्रयोग करेंगे जिसको हम इन्फरेंस कहते हैं। इन्फॉर्मेशन, इलिमिनेशन और इन्फ्रेंस, अनुमान लेंगे, इसी के आधार पर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पकड़ चेक करते हैं कि शी एंड डैड, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंप्रूव द सेंटेंस कैसे बनाएंगे वही सिखा रहा हूं। शी एंड डैड वुड हैड लव्ड, देखो वुड हैज हैड लव्ड, यहां तक अंडरलाइन किया हुआ है अमित। अब यहां से मिल लिया इंफॉर्मेशन कि शी एंड डैड, पहला कॉन्सेप्ट कि शी एंड डैड दो मिलके सब्जेक्ट हम लोगों का हो गया प्लूरल। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। समझना आराम से, बहुत ही प्यारा ट्रिक दे रहा हूं, समझ गए क्वेश्चन लेगा खिलौना, नहीं समझे टफ लेगा। बोलो, एक हो गया सी, एक हो गया डैड, सब्जेक्ट कितने हो गया, दो, तो तुम्हें क्या बन गए, प्लूरल। तो सब्जेक्ट प्लूरल, अब लगाया है वुड। अब वुड क्या है, मॉडल से। अब मॉडल्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, ध्यान देना इसको, मॉडल्स का क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि मॉडल्स अपने साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, राइट। अब यहां देखो हैज, हैज तुम्हारा वी फाइव है, कैसे भाई, अब ध्यान बेटा मैं सिखा रहा हूं, वी वन, वी टू, वी थ्री, वी फोर, वी फाइव, हमने यहां पर लिखा हैव, यहां लिखा हमने हैड, यहां लिखा हमने हैड, यहां लिखा हमने हैविंग, यहां लिखा हमने हैज। अब देखो गौर से, तो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, दिख रहा है सबको, V1, V2, V3, V4, V5। तो मॉडल अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो बोलो हैज है V5, चूंकि एस यस, V5 का मतलब क्या होता है, एस या ईएस, जैसे आप बोलते हो गो, जैसे बोलते हो वेंट, जैसे बोलते हो गॉन, जैसे बोलते हो गोइंग, जैसे बोलते हो गॉस, राइट। तो मॉडल सब क्या था, भरू का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां लगाया इसने हैज, तो पहला ब्लंडर हैज नहीं होगा, पहले आप ए ना देखो, उसके बाद हैड दिया, तो मॉडल के साथ है प्लस, अभी पहला स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है कि कोई भी मॉडल्स हो उसके साथ वी वन लगाया, इसके बाद वी थ्री लगा सकते हो, ए होता है प्रेजेंट वी थ्री और ये होता है पास्ट, क्लियर। तो प्रेजेंट है वी वन, पास्ट हो गया हैव प्लस वी थ्री। अब देखो मॉडल्स प्लस हैव, हैड भी गलत हो गया, प्लस वी वन चाहिए था या वी थ्री चाहिए था, तो मॉडल्स प्लस यहां लव चल जाएगा, तुम्हारा लव चल जाएगा। अब देखो कि हमारा, हमको क्या चाहिए, मॉडल्स ये वुड तो है ही हम लोग का, अब हैज हैड लव्ड, तो यहां देखा तो हैज होना नहीं, हैड होना नहीं, लव्ड चलेगा। अब देखो कि हैव लव्ड, मॉडल्स प्लस हैव प्लस वी थ्री, मॉडल्स में अंडरलाइन है नहीं हम लोग का, अंडरलाइन यहीं तक है, हैज हैड लव्ड, तो हैज हैड उड़ा दिया, लव्ड है ही हम लोग का, तो हैव लव्ड, यानी आंसर क्या होना चाहिए हम लोग का, बी फॉर बॉय। यानी फर्स्ट आंसर क्या हुआ, गलत, इंफॉर्मेशन लिया हैज नहीं होगा, टू लव्ड नहीं होगा, क्योंकि मॉडल्स के साथ, ध्यान देना बच्चे, मॉडल्स के साथ क्या क्या नहीं आ सकता वो ध्यान दीजिए, मॉडल्स के साथ कोई भी मॉडल हो इसके साथ टू का प्रयोग नहीं करते, मॉडल्स के साथ कभी भी वी थ्री नहीं आता, तो ये सब ध्यान देना है। तो मॉडल्स के साथ टू नहीं आना, नो इंप्रूवमेंट है नहीं, बच क्या गया, हैव लव्ड, समझ में आपको आ गया होगा, बिल्कुल अनजान करके फिर से एक बार, शी एंड डैड हो गया प्लूरल, प्लूरल्स में मतलब नहीं वुड को, वुड हो गया मॉडल्स, अब मॉडल के साथ हमेशा क्या चाहिए, भरो का फर्स्ट फॉर्म, तो सही क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था वुड हैव लव्ड, शी एंड डैड वुड हैव लव्ड अमित। अब समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाओ, समझ में आ गया क्लियर,
Someone must being killed. अभी आपने देखा होगा यहां जो मस्ट की बात, यहां अंडरलाइन कहां है? बींग पे है, देख लो, पहले ध्यान से कर लो आप। तो हमने कहा कि संबंध हो गया सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद यहां पे ध्यान दीजिए आप, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया मॉडल्स। अब मॉडल्स के साथ दो स्थिति हो गया, या तो वी वन होगा या तो है प्लस वी थ्री होगा, क्लियर? तब देखो संबंध मस्ट, मस्ट बाद बींग, अब बींग तो कभी आना ही नहीं, बींग हो गया आईएनजी फॉर्म, यानी मॉडल्स के बाद, कोई भी मॉडल्स के बाद वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव ये सब प्रयोग नहीं किए जाते हैं बाबू। ऑलवेज मॉडल्स अगर लेता है तो हमेशा वी वन लेता है, ये ध्यान देना। तो अब देखो संबंध मस्ट बींग, ये अंडरलाइन है, ये क्या है? सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूव सेंटेंस यानी कि ये अंडरलाइन किया हुआ है, हमको गलती इसी में ढूंढना है, राइट? यहां गलती ढूंढना था इसमें, यहां गलती यहां ढूंढना है, यानी बींग नहीं होगा। तो मस्ट के बाद क्या होगा? अब ध्यान दो, हैव बीन ये चेक कर लिया, हैज बीन देखो मस्ट मॉडल्स है, हैज होना नहीं, टू बोदर ये होना नहीं, बचा क्या? हैव प्लस वी थ्री, यानी वहां चाहिए संबंध मस्ट हैव बीन किल्ड। अब यहां देखो हैव बीन किल्ड हो गया, इस तरह से हम सेंटेंस को क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को हम लोगों को चुनना है, उसी में से कहीं ना कहीं गलती होगा, वहीं से हम लोग आंसर निकालेंगे, क्लियर? आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये देखो अगला क्वेश्चन, हमने कहा वाई शुड बी बोदर्ड, अब वाई शुड बी बोदर्ड, अब यहां देखो बोदर्ड अंडरलाइन किया हुआ है, तो पहले फोकस कहां करना है पता है? पहले फोकस करो जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो हमने कहा वाई शुड बी बोदर्ड, अब यहां ध्यान दो कि वी बोदर्ड, अब अंडरलाइन इंफॉर्मेशन क्या मिला कि भाई ये वी थ्री है, क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब चेक करते हैं कि सेंटेंस का नेचर कैसा है, तो सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद कभी भी वी थ्री का प्रयोग नहीं होता, हमेशा होता क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज। हम लोग क्या बोलते हैं? आई विल गो देयर, आई मस्ट गो देयर, शी शुड कम हियर, तो शी शुड, ही वुड, हमेशा क्या बोलते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यहां देखो वाई शुड बी बोदर्ड, तो बोदर्ड तो होना ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट यहीं पे गलत हुआ। ये क्वेश्चन कहां का है सर? तो 2017 एसएससी का क्वेश्चन है ये, मैं क्वेश्चन वहीं से उठाया हूं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में कई बार पूछ रहे हैं। अब देखो बोदर, बोदरिंग, बोदरिंग होना नहीं, टू बोदर होना नहीं, नो इंप्रूवमेंट होना नहीं, बचा क्या आंसर? ए। तो पहले आप लो इंफॉर्मेशन, फिर उसको क्या करो? इलिमिनेशन, हटा दो ऑप्शन, कौन सा नहीं होना, जो बच गया वो आंसर, क्योंकि शूड एक मॉडल से, और मॉडल्स के बाद क्या होता है? ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउएवर पेनफुल। हम लोग जो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो पूरा पढ़ते, दिमाग नहीं लगाते, आपको दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल इंफॉर्मेशन लो। तो आई एब्सोल्युटली मस्ट, यहां सीन अंडरलाइन किया हुआ है, तो अंडरलाइन देख लिया, सीन किया हुआ है, तो आई एब्सोल्युटली मस्ट सीन हिम हाउएवर पेनफुल इट मे बी फॉर मी। इतना नहीं पढ़ना, बस देखो सीन वर्ड है, यहां क्या मस्ट, मस्ट क्या है? मॉडल्स। तो मॉडल्स के बाद वी थ्री का प्रयोग नहीं करते, चाहिए हमको वी वन। अब देखो सॉ होना नहीं, सीइंग होना नहीं, नो इंप्रूवमेंट, बचा क्या? सी, क्योंकि मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर सही क्या होगा? सी लगा दिया, सही हो गया। यहां पे क्या करेंगे? बॉर्डर लगा दिया, सही हो गया। समझ में आ रहा है सबको? कहने का सेंस है कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, इंप्रूव द सेंटेंस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार उस अंडरलाइन पार्ट को पढ़ना है। अगर अंडरलाइन पार्ट को पढ़ लिया, उसके बाद आगे पीछे देखो कि सेंटेंस का नेचर क्या है, अगर नेचर समझ में आ गया तो आपके लिए इंप्रूव द सेंटेंस बहुत आसान हो जाएगा, और चुटकियों में सॉल्व करोगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो आसानी से सॉल्व करिए, यूं सॉल्व करिए, और सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे एमटीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीओ, सारे क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।